या आखिरी अशरे में आदमी जो है अल्लाह की चौखट पर ही जाकर बैठ जाए, अपने मामूलात को तोड़े। एतिकाफ की रूह यह है कि ये जो हमारे मामूलात होते हैं, रूटीन, ये भी गफलत पैदा कर देते हैं। एक आदत बन गई, सुबह उठते ये करना, फिर ये करना, फिर दफ्तर जाना, फिर आना, फिर ये, उसके अंदर फिर वो आदमी कोई जागता ही नहीं, होश में आता ही नहीं, वो गोया कि एक मदहोश सा है और एक वो अपना साइकिल चल रहा है खुद ब खुद। इस साइकिल को तोड़ो, जैसे 5 दफा वो साइकिल तोड़ते हो नमाज के लिए, आओ यहां, आओ आओ, सज्दे में गिरे, लोहे जबी ताजा करें, याद करो अल्लाह को दोबारा, अपना अहद उस्तवार करो दोबारा, या कना बुद या कनस्तरी। इसी तरह साल में जरा ये 9-10 दिन भी एक दफा तोड़ो अपने रूटीन को, जाओ वहां डेरा लगा लो मस्जिद के अंदर अल्लाह के दर पर, सिवाय जो नागुजीर हवाई जे इंसानियां हैं, पेशाब वगैरह के लिए जाना है बाहर, जाओ वजू करो फिर आके बैठ जाओ। बहस फरहत हासिल करने के लिए नहाने की इजाजत भी नहीं है, गुस्ल वाजिब हो गया हो तो नहाओ, वरना फिर यह कि भीले बताते हैं हमारे उलमा कि वजू की नियत से जाओ गुस्ल करके आ जाओ, इसलिए कि मालूम है कि आज आदमी की जो आदत बन गई हुई है रोजाना ना नहाए तो तबीयत पे कसर रहता है, लेकिन इसी को तो तोड़ना है, इसी रूटीन को तो तोड़ना है, असल में इजाजत नहीं है, असलन इजाजत नहीं है। आप जो है जो भी ना गुजीर, हां अगर आपको फर्ज कीजिए कोई ऐसी शक्ल हो गई है, रात को आखिर सोए तो है, सोने में बदखाबी हो गई है, नहाना है तो जाओ नहाओ, ठीक है गुस्ल वाजिब है नहाओ, और यह कि पेशाब की बहाने की हाजत है जाओ पूरी करो वजू करो वापस आगे बैठो, चाहे यहां सो यहां जिक्र करो याद करो जो करो करो यहां पे, लेकिन और उसमें भी खामोशी है। वहां हमारे यहां आजकल उसके अंदर भी बड़े लंबे लंबे चौड़े प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, लोग बैठे हैं गपबाजी कर रहे हैं। मैंने खुद मैदान अरफात में लोगों को ताश खेलते देखा है, ताश अरफात में, मैंने सुना यहां पर एतिकाफ में ताश खेले जाते। आप बिल्कुल नौजवान छोकरे फजीलत सुनी एतिकाफ की, वैसे भी घर से भागने को कुछ जी चाहता ही है, कुछ दिनों के लिए निकले इस घर से, मस्जिद में आके बैठ गए, वहां पे गप्पे भी हो रही है, लतीफाबाजी भी हो रही है, ताश भी खेले जा रहे, ये इतकाफ हो रहा है। ये इतनी हल्की शय नहीं है इतकाफ, ये तो उस इबादत का रमजान में जो रूह बेदार होती है ये उसका क्लाइमैक्स है, बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन उसमें लौ अल्लाह के साथ लगी रहे, लोगों से नहीं, तन्हाई, गौर फिक्र, या कुरान पढ़ो, जिक्र करो, नवाफिल पढ़ो, या सोचो भी चलो, जैसे हदीस में आता है वाई यकूना नुत्की जिक्रा व नजरी इब्रा व समती फिक्रा, मेरा देखना हो तो इबरत का देखना हो कि हर शय से मैं सबक हासिल करूं, और मैं बात करूं तो अल्लाह के जिक्र पर मबनी हो मेरी बात, और मैं खामोश रहूं समती फिक्रा, गौर व फिक्र, तफक्कुर व एतबार, जो हुजूर जाकर गारे हिरा में किया करते थे वो एतिकाफ था हुजूर का, मक्की दौर का एतिकाफ, तन्हा बैठना। और ये रिवायत मुझे बाद में मालूम हुआ कि ये बनू हाशिम में ये रिवायत थी, हुजूर के दादा भी जाकर वहां पर गारे हिरा में बैठा करते थे, ये उनकी ये खानदानी रिवायत चली आ रही थी, ये जगह थी, और वो जगह ऐसी है अजीब सी, अब तो खैर बड़ी बड़ी इमारतें हाइल हो गई हैं, वरना मैंने जब पहला हज किया था 1962 में तो मैंने उस वक्त जाकर देखा था, वाकईतन सीधा काबा नजर आता है वहां से, और कुछ दरमियान में नहीं, जैसे इसको स्लिट लैंप कहते हैं, वो गार है ही ऐसी के सामने एक दरार सी बस खुली हुई है, ये इसके अंदर से वहां बैठ जाइए सीधी निगाह खाने काबा पड़ जाती थी, तो काबे का मुराकबा भी किया जा सकता था वहां बैठकर, देखना काबे को देखना इबादत है, और फिर उस यकसुई के साथ कोई नहीं, काबे में है तो ना मालूम क्या कुछ और हो रहा है, लेकिन ये कि वहां तो आप बैठे हुए, तो वो एतिकाफ, यही एतिकाफ हजरत मूसा ने किया था, 40 दिन का तब तौरात मिली थी, यही 40 दिन का रोजा किया रखा था, ये अगरचे कुरान में मजकूर नहीं है, हजरत मूसा का तो कुरान में मजकूर है, हजरत ईसा का इंजील में मजकूर है, 40 रोज का रोजा और एतिकाफ पहाड़ों में किया जाकर तब इंजील मिली, यही एतिकाफ था जो हुजूर कर रहे थे गारे हिरा में, तब कुरान इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, ये तो उसका एक अक्स, उसकी एक झलक होनी चाहिए। मैंने रूह एतकाफ पर भी एक जमाने में एक तकरीर की थी, मैंने देखा छपी हुई थी, अब पता नहीं कहीं अवेलेबल है या नहीं, एक अलहदा किताबचे की शक्ल में भी थी, वैसे आजमत सयाम क्याम रमजान मुबारक पर भी मेरा किताबचा है, आजमत सौम जिसमें कि फिर मैंने ये इंसान के दो वजूद इसके बारे में भी
خاصی وضاحت کے ساتھ گفتگو کی ہے، وہ بھی میرا کتاب چاہے شاید باہر اس پہ ہوں گے۔ تو فرمایا جب تم اعتکاف میں ہو تو ان کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے، تلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب مت جانا۔ قرآن مجید میں حدود اللہ کے لیے یا تو آتا ہے فلا تعتدوها، یہ اعتداء کہتے ہیں کسی حد کو کراس کر جانا، تجاوز کرنا، اور جہاں زیادہ احتیاط کی بات ہے وہاں فلا تقربوها، آخری حد کے قریب تک نہ چلے جانا، مبادہ کہیں غلطی سے قدم جو ہے ادھر پڑ جائے۔ جیسے حضور نے حدیث کے اندر بیان فرمایا علی لکل ملک حمن، ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوا کرتی تھی، اسی کے جانور اس میں چریں گے، کوئی رعیت میں سے کسی کی بھیڑ بکری، کسی کا کوئی جو ہے گھوڑا وہاں نہیں آ سکتا۔ اب اگر کسی کا گھوڑا یا کسی کی بھیڑ بکری چلی گئی، وہ مجرم ہو گیا، پکڑا جائے گا، گردن ماری جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بھی ایک محفوظ چراگاہ ہے، اللہ کی حما کیا ہے، محارمہ، جو چیزیں اس نے تم پر حرام کر دی، ان کے قریب نہ جانا۔ تو دیکھو اگر کوئی چرواہا اپنی بھیڑوں بکریوں کو بالکل آخری حد تک لے جائے گا اس بادشاہ کی جو وہ حد ہے، تو اندیشہ ہے کہ بھیڑے بکریاں کہیں ایک چھلانگ لگائے اور بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہو جائے، لہذا ذرا فاصلے پر رہا کرو، یہ ہے، آخری حد تک نہ جاؤ بلکہ کچھ فاصلے پر رہو۔ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہے تو ان کے قریب مت پھٹکو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالی اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ وہ بچیں، تقوی کی روش اختیار کریں، حدود الہی کا احترام کریں، اس میں کہیں تجاوز تو دور رہا، اس کے قریب بھی نہ آئے۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.